तो आज इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में आ चुका जॉइंट चिकन, जो कि फ्रैंकलिन को मारना चाहता है, और ये चिकन इस बड़े से अंडे से बाहर आया है। आइए जानते हैं कि फ्रैंकलिन इसको कैसे मारेगा। तो गाइज, मैंने गांव में एक मुर्गी खरीदी है और आज मैं देखने जा रहा हूँ कि उसने एक भी अंडा दिया है कि नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ गाइज कि मैं बहुत सारा मुर्गी खरीदूंगा और उसका पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा और उसको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा गाइज। तो चलो गाइज, फटाफट से अपने गांव चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक भी मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं। अगर उन्होंने एक भी अंडा दिया होगा गाइज तो बहुत ही मजा आएगा और उन अंडों से हम चूजे निकालेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। गाइज, मैंने यहीं पे एक फॉर्म बनाया था, थोड़ा सा आगे बनाया था, चलो देखते हैं कि वो कहाँ पर है। अबे गाइज, इतना बड़ा अंडा और इस मुर्गी ने दिया। गाइज, इतना बड़ा अंडा इस मुर्गी ने कैसे दिया यार? इस मुर्गी को तो मैंने जुरासिक पार्क से पकड़ कर लाया था, क्योंकि वहां पे ना गाइज इसको डायनासोर बहुत दौड़ा रहे थे। मैं सोचा कि इसको पकड़ के अपने फॉर्म पे रख लेता हूँ, और इस मुर्गी ने इतना बड़ा अंडा दे दिया। गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा अंडा इस मुर्गी ने कैसे दिया। मुझे लगता है गाइज, इस अंडे से बहुत बड़ा बच्चा निकलेगा, जिस बच्चे को मैं बेचकर विदेश में बहुत सारा पैसे कमाऊंगा। गाइज चलो अपने घर चलते हैं गाइज। अबे गाइज, इतना बड़ा मुर्गा। गाइज ये क्या है, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? गाइज जल्दी चलो यहाँ से। भाई मेरे पीछे वो आता होगा, जल्दी घर में चलते हैं गाइज। भाई साहब, इतना बड़ा मुर्गा हमारे शहर में कैसे आ गया? एक मिनट गाइज, कहीं उस बड़े से अंडे से मुर्गा बाहर तो नहीं निकला भाई? ओ भाई, मुझे इसे जल्दी से मारना पड़ेगा, वरना वो मुझे मार देगा। गाइज उसके हाथ में बहुत बड़ा हथियार था और वो मेरे तरफ ही आ रहा था। गाइज एक काम करता हूँ गाइज, मैं अपने जल्दी से अपने फॉर्म पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वो बड़ा सा अंडा है कि नहीं। अगर वो अंडा नहीं होगा गाइज, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि वो चिकन से ही, उस अंडे से ही ये चिकन बाहर निकला है। चलो गाइज फटाफट से चलते हैं, वो चिकन इधर से ही आया था, वो मुझे देख नहीं पाया था गाइज, क्योंकि मैं जल्दी से अपने घर में घुस गया था। अगर वो मुझे अब की बार देख लेगा तो मार देगा गाइज। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा देखने की कहीं उसी अंडे से ये चिकन बाहर तो नहीं निकला है। अगर गाइज उस अंडे से चूजा बाहर निकला होगा तो मुझे जल्दी से इसको मारना पड़ेगा। फटाफट से चलते गाइज उस अंडे के पास। अरे गाइज, मेरा शक सही निकला, वो अंडा यहाँ पर है ही नहीं। गाइज इसी अंडे से वो चूजा बाहर निकला था। ओ भाई साहब, गाइज मुझे जल्दी से उस चिकन को मारना पड़ेगा। भाई इस मुर्गी को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो अंडा इस मुर्गी ने दिया होगा। भाई मैं किस मुर्गी को उठा कर लाया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतने सारे घर हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? भाई यहाँ पे सारे दरवाजे बंद हैं। एक मिनट भाई, ये क्या है? ये तो ऑगी है भाई, ये मेरे शहर में क्या कर रहा है? एक मिनट गाइज, इसने जरूर कुछ देखा होगा, मैं इससे बात करता हूँ। अरे ऑगी भाई, तुमने एक अंडा और उसमें से चिकन निकलते हुए देखा था क्या? अगर देखा था तो जल्दी बताओ भाई। अरे हाँ भैया, मैंने उस अंडे से उस बड़े से मुर्गे को निकलते हुए देखा है, वो आपके घर के पास ही गया है, आप उससे बच के रहना। अरे हाँ हाँ ओगी, मुझे पता है कि वो मेरे घर के तरफ गया है। तुम्हें ये पता है क्या कि वो बड़ा सा मुर्गी कैसे आया इधर? ये मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मुर्गी ने उस अंडे को दिया होगा। अरे हाँ हाँ भैया, आपने जो मुर्गी लाया है ना, वो जुरासिक पार्क में पुलिस वालों ने छोड़ दिया था ताकि कोई डायनासोर उसको खा ले। बहुत पहले भी उसने इतना बड़ा अंडा दिया था, उससे बहुत बड़ी चिकन निकली थी। एक काम करो भैया, उस चिकन को तुम जल्दी से मार दो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अरे योगी जल्दी से बताओ। हाँ मैं जरूर मारूंगा उसे, तुम्हें कौन सा आइडिया है जल्दी बताओ। भैया आप उसे मार नहीं सकते हो, आप उसे पकड़ जरूर सकते हो, आपको एक पोकेमोन बॉल चाहिए। अरे पोकेमोन बॉल? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन उस पोकेमोन बॉल को मैं लाऊंगा कैसे? अरे भैया आपके पास जो मशीन है ना, उसमें तीन चीजें डाल दो, वो पोकेमोन बन जाएगा। कौन से चीज? भैया आपको एक पोकेमोन का डॉल चाहिए, पोकेमोन का मास्क चाहिए और पोकेमोन का रिमोट। अगर आप तीनों को मशीन में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा एक पोकेमोन बॉल। ओहो ऐसी बात है क्या? तो मैं फटाक फटाक से चलता हूँ उस सारी चीजों को खोजने, मैं देखता हूँ वो कहाँ कहाँ पर है। तो भाई लोग, उस ऑगी ने मुझे ये बताया है कि मैं तीन चीज को अगर मशीन में डालूंगा तो वो पोकेमोन बॉल मुझे मिल जाएगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे पहला चाहिए पोकेमोन डॉल, दूसरा चाहिए पोकेमोन माउस, दूसरा चाहिए पोकेमोन मास्क
और तीसरा चाहिए पोकेमोन रिमोट। अगर मैं उन तीनों को अपने घर पे जो मशीन है उसमें डालता हूँ तो वो मुझे बना कर देगा पोकेमोन बॉल। तो चलो गाइस, पहला लाते हैं पोकेमोन डॉल और वो शोरूम में है और उसके पास आसपास बहुत सारे पुलिस हैं, तो मुझे पुलिस वालों को जल्दी से मारना पड़ेगा। तो चलो गाइस फटाफट से शोरूम में चलते हैं। तो ये रहा एक पुलिस वाला गाइस और इसको हमको जल्दी से मारना पड़ेगा। चलो इसको मारते गाइस। अबे यार ये तो मारने लगा गाइस, ये ले गए, ये रे भाई। भाई अगर मैं इसको मैं ही मारता ना तो सही समय पे तो ये मुझको ही मार देता। वो गाइस मैं देखता हूँ कि इधर और भी पुलिस वाले हैं कि नहीं। ये रहा एक पुलिस वाला, मारना मत और रुको मैं मारता हूँ इसे। ये ले फाइनली गाइस मैंने इसको भी मार दिया। अब मुझे ये देखना है गाइस कि और भी पुलिस वाले इधर हैं तो नहीं, मुझे जल्दी से सबको देख के मारना पड़ेगा। ओके गाइस ये रहा एक पुलिस वाला जो उधर देख रहा है, मैं इसको हेडशॉट मारता हूँ। ये ले, अबे यार इस पुलिस वाले ने मुझे देख लिया, अबे मत मार। ये ले भाई इसको भी फिनिश कर दिया हमने। ओ भाई साहब, अबे ये अभी भी जिंदा है। ये ले ओ भाई अभी तक ये जिंदा था भाई। फाइनली हमने सारे पुलिस वालों को मार दिया। अब जल्दी से ये देखता हूँ गाइस कि मेरे यहाँ पे मुझे डॉल मिलता है कि नहीं। तो फाइनली गाइस हमको डॉल मिल चुका है और जल्दी से इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया गाइस और देखते हैं कि दूसरा चीज हमको मिलता है जो वो है पोकेमोन मास्क। और मुझे मास्क इस बिल्डिंग के ऊपर मिलने वाला गाइस, और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं, मुझे उन लोगों को मारना पड़ेगा। ये रही बाइक अपनी, अच्छा किया बाइक यहीं पर रखा था वरना वो पुलिस वाले मेरी बाइक को छोड़ देते गाइस। और वो रहा वो बिल्डिंग गाइस, और यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी है, मुझे उन सबको मारना पड़ेगा तभी मैं ले सकता हूँ पोकेमोन का मास्क। तो चलो चलते हैं गाइस। वहाँ तक जाने के लिए गाइस मुझे इस रैंप को चुराना पड़ेगा। कोई नहीं गाइस, मैं इस गाड़ी को नया खरीदा हूँ। ये गाड़ी उसे पार कर, ये गाड़ी वहाँ तक पहुँच जानी पड़ेगी। अभी ये क्या, अब मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। चलो चलते हैं, चलो सीधा ट्राई करते हैं, पहुँच जानी चाहिए गाड़ी। अरे पहुँच जा, पहुँच गई गाड़ी, फाइनली यहाँ पे गाड़ी पहुँच चुकी है गाइस। चलो उधर चलते गाइस, मुझे यहाँ पे पुलिस वाला नजर आ रहा है, इसे जल्दी से मार देते गाइस वरना वो वहीं से मुझे मारना चालू कर देगा। आगे रुक जा और जूम करके उसको देखते हैं गाइस, ये पुलिस वाला ही है। और यहाँ हमने जूम कर दिया और इसको हेडशॉट मार दिया गाइस, ये भी मैंने इसको मार दिया गाइस, व्हाट इज अ हेडशॉट। फाइनली ये मर चुका है गाइस, और सामने चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि और कितने पुलिस वाले हैं। अगर ज्यादा पुलिस वाले होंगे ना गाइस तो मेरे लिए बहुत तकड़ा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ऊपर कितने पुलिस वाले हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं। एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहीं पे उतर जाता हूँ वरना उनको पता चलेगी तो मुझे मार देंगे। उनको भनक नहीं लगी गाइस कि मैं यहाँ पर हूँ। ये ले, अबे यार, अबे नहीं, अरे भाई नहीं, अबे नहीं, एक मिनट ये मुझे मार देगा। अबे नहीं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ जल्दी से। ये ले, अबे नहीं भाई नहीं, ये मुझे मार देंगे, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं। अबे नहीं भाई, मर जा, अरे मर गया। ये ले तू भी ले। अबे भाई साहब ये लोग तो मुझे मार रहे हैं भाई, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मैं नीचे चलता हूँ गाइस वरना लोग मुझे मार देंगे। तो फाइनली गाइस हमने सारे पुलिस वालों को मार दिया और मुझे मिल चुका है ये रहा वो रिमोट। तो गाइस मैं जल्दी से इस रिमोट को कलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे आखिरी चीज चाहिए गाइस, वो है मास्क। तो ओके गाइस, उस वाले बिल्डिंग पे है अपना मास्क गाइस, और उसके आसपास बहुत सारे पुलिस वाले हैं। आप देख सकते हो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 पुलिस वाले हैं गाइस। आप देख सकते हो मुझे इन्हें जल्दी से मारना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, मैं अपनी बाइक ले लेता हूँ, यही भी मेरी बाइक पड़ी है। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से मुझे बहुत सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं गाइस। मैं थोड़ा सा नजदीक जाता हूँ और वहीं उनको मारता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले गाइस, एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहीं पे रुक के दो को लुड़का देता हूँ गाइस, वरना मुझे वहाँ पे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एक काम करता हूँ गाइस, जूम करता हूँ और इसको हेडशॉट मारता हूँ। ये ले, इसको भी मारा मैंने गाइस हेडशॉट, और इसने देख लिया गाइस, इसको भी मारते हैं और इसको भी मारते हैं गाइस। ओ भाई साहब, मैंने यहाँ पे 3 को मार दिया। अब देखते हैं गाइस कितने पुलिस वाले और बचे हैं। यहीं पे अपनी गाड़ी रोकता हूँ गाइस और देखते हैं कि और कितने पुलिस वाले बचे हैं गाइस, क्योंकि वो पुलिस वाले बहुत ही खतरनाक हैं भाई। ये पुलिस वाले कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। अबे ये ले, अबे गाइस ये सारे लोग मुझको मारने लगे। अबे ये मरा नहीं। अबे ये ले, इसको भी मारता हूँ और इसको भी मारता हूँ। अबे गाइस ये मरा नहीं। अबे ये ले, इसको, ओ भाई मर गया, सारे लोग मर गए। फाइनली गाइस ये सारे लोग मर चुके हैं और हमको मिल चुका है वो
मास्क। अब देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत मास्क है, और जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं और चलते अपने घर के तरफ और वहां पे इन तीनों चीजों को मशीन में डालते हैं और देखते हैं गाइस कि पॉकेटबॉल बनता है कि नहीं। तो फाइनली गाइस हमने तीनों चीजों को कलेक्ट कर लिया है और चलते अपने घर के तरफ, वहां मशीन में डालते हैं और देखते हैं कि पॉकेटबॉल मिलता है कि नहीं हमको। तो फाइनली गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूं और वहां पे तीनों चीज चलो जल्दी से मशीन में डालते हैं गाइस। और यहां पे गाइस मैंने तीनों चीजों को मशीन में डाल दिया है और देखते हैं कि पॉकेटबॉल बनता है कि नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पे पॉकेटबॉल बन चुका है गाइज। क्या मस्त सा पॉकेटबॉल है गाइज। इसी में हम उस चिकन को पकड़ सकते हैं गाइज। तो जल्दी से चलते देखते हैं कि चिकन किधर घूम रहा है। तो गाइज ये रहा वो चिकन जो कि मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो फटाफट से पॉकेटबॉल को फेंकते हैं। ये ले, अबे पकड़ा जा। ओ भाई साहब, फाइनली गाइज वो चिकन इस पॉकेटबॉल के अंदर कैद हो चुका है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।